मैं अपने संगठन भगत सिंह अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपना जय भीम लाल सलाम कहना चाहूँगी. और एज एन जादवपुर एलुमनस आई विल ऑल्सो लाइक टू गिव माई रेवोल्यूशनरी सल्यूट टू एवरीबडी हु केम हियर, हु केम इन सॉलिडैरिटी विद द स्टूडेंट्स, हु केम इन सॉलिडैरिटी विद द प्रोटेस्ट दैट इज गोइंग ऑन इन जादवपुर. आप सभी ने देखा होगा सम रियली ब्यूटिफुल हार्ट वार्मिंग इमेजेस जो 20 सितंबर में एक बहुत बड़ा, जिसको वहाँ पे वहाँ की भाषा में महामिचिल कहते हैं, एक बहुत बड़ी रैली निकली थी जादवपुर स्टूडेंट्स की. और ये भी चीज़ अभी जो एक मीडिया में एक नैरेटिव बन रहा है, थोड़ा सा मैं उस पर बात करना चाहूँगी किस तरीके का नैरेटिव अभी जा रहा है. क्योंकि एक जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, एक जो फ्रेशर्स का पार्टी था और उसमें किस तरीके से लोग एक प्रोटेस्ट करने आए थे और उस प्रोटेस्ट के तहत किस तरीके से बाबुल सुप्रियो ने बहुत सारे थ्रेट्स दिए वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को और बाकी स्टूडेंट्स को, और उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए ये सब शायद हम लोगों को अभी तक पता चल चुका है. बट किस तरीके का एक नैरेटिव बन रहा है, बहुत सारे डिबेट्स आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे इस बात को लेकर कि क्या वहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों को हैकल करना चाहिए था, क्या ये ठीक था, क्या ये सही था कि स्टूडेंट्स ने हैकल किया या नहीं किया. साथियों एक बात हम लोग को शायद अब क्लियर कर लेनी चाहिए कि आज के दिन में पूरा का पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप न्यूज़पेपर से लेकर टीवी तक बात करिए, पूरा का पूरा रिसीव्स डायरेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. एंड वी शुड हैव सर्टेन क्लैरिटी ऑन इश्यूज एज सेंसिटिव एज दीज, दैट इससे पहले कि हम किसी तरीके के एक्यूजेशंस जो स्टूडेंट्स हैं उन पर पोज करें, उससे पहले हमें सवाल उठाने की ज़रूरत है कि क्या हमें अपने ही यूनिवर्सिटी स्पेसेस में ये हक नहीं है कि अगर कोई कोई ऐसा इंसान हमारे स्पेस में आए जो हु इज़ नोन, हु इज़ वेल नोन टू गिव आउट कम्युनल स्टेटमेंट्स, हु इज़ वेल नोन टू गिव आउट इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस एंड इंसाइटिंग कॉमेंट्स, क्या हमें हक नहीं बनता है कि हम वहाँ पे खड़े होकर शांति से अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर चुके. इस कैंपस की, जेएनयू के कैंपस की हिस्ट्री रह चुकी है, यहाँ पे जब कांग्रेस के नेता आए हैं लोगों ने यहाँ खड़े होकर उनको काले झंडे दिखाए हैं, चाहे आरएसएस के लोग आए हों उन लोगों के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया. हर जगह पे हमने देखा है कि जहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जाती है वहाँ पे लोग उसको, उस पूरी पिक्चर को किस तरीके से पलट देने की कोशिश करते हैं. ये बात हमसे छुपी हुई नहीं है, ये बात, ये इंसिडेंट एचसीयू में भी हुआ था विच लेड टू द ऑस्ट्रेसाइजेशन ऑफ रोहित वेमुला अलॉन्ग विथ हिज कॉमरेड्स इन एचसीयू विच अल्टीमेटली लेड टू हिज इंस्टीट्यूशनल मर्डर. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन सच प्रोटेस्ट टेक प्लेस दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एजर्शन for the students on their own democratic spaces to be able to put forth their dissent and to be able to rightfully claim that space as a space where they can put forth this dissent. किस तरीके का ये प्रोपेगेंडा चल रहा है वो इस बात से बहुत साफ है. आज अगर कुछ लोगों ने देखा होगा टेलीग्राफ में एक आर्टिकल आया है जहाँ पे जो टेलीग्राफ के एडिटर हैं उन्होंने किस तरीके से एक अपना बाबुल सुप्रियो के साथ कॉन्वर्सेशन वहाँ पे जाहिर किया है, जहाँ पे ओपनली ये बात लिखी गई है कि किस तरीके से बाबुल सुप्रियो ने उस न्यूज़पेपर को थ्रेटन किया था, किस तरीके से उन्होंने अपने कॉन्वर्सेशन में वाइस चांसलर को, जादवपुर के जो वाइस चांसलर है सुरंजन दास, उनको किस तरीके से थ्रेटन किया था व्हेन द जादवपुर वीसी रिफ्यूज टू कॉल पुलिस ऑन कैंपस. सो इट इज़ वेरी क्लियर टुडे दैट नैरेटिव किस तरीके से और क्यों मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है. और इन चीज़ों में जब हम अपनी ओपिनियंस रखते हैं और जब हम सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं, हमें बहुत सोच समझ के सवाल उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कुछ सवाल जो शायद कॉन्टेक्स्ट में ना हो, दैट कैन डीरेल अ मूवमेंट, दैट कैन चेंज द पिक्चर ऑफ अ मूवमेंट विच इज़ ऑलरेडी रिसीविंग एक्सट्रीमली नेगेटिव लाइमलाइट इन द मीडिया, बिकॉज दैट इज़ वॉट द पावर्स दैट आर इन द रेजिम टूडे दे वॉन्ट. That is what they intend to have. That constantly a picture of students is portrayed and posed as if students पढ़ाई लिखाई करने में interested नहीं है, students सिर्फ हंगामा करने में interested है. आप एक बात बताइए कि first generation, second generation learners जब इन spaces में आते हैं, जादवपुर जैसे university में पूरे जो बंगाल के जो सबसे कोने कोने ग्रामीण जगह है वहाँ से लोग आते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए. लॉट ऑफ देम दैट वी हैव इंटरैक्टेड विद इन आर टाइम एट जादवपुर हैव बीन फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स. अगर वहाँ पे आपको जो बेसिक एम्यूनिटीज, जो बेसिक हक हैं, उन चीज़ों की लड़ाई, अपने डिसेंट रखने की लड़ाई अगर आप ना लड़ पाए तो क्या फ़ायदा है ऐसे स्पेसेस का. आप सबको शायद पता हो शायद ना पता हो, बट पिछले कुछ महीनों में और पिछले साल के दौरान भी जादवपुर
जो स्टूडेंट्स यूनियन था उस चीज को लेके भी एक कंटेस्टेशन चल रहा था बिकॉज दे वांटेड टू पुट अ नॉमिनेटेड काउंसिल बट द स्टूडेंट्स डिड नॉट वांट दैट सॉर्ट ऑफ अ नॉमिनेटेड काउंसिल एंड देयर हैज बीन अ वेरी प्रोलॉन्ग टसल दैट हैज बीन गोइंग ऑन. ऐसा सिमिलर ही टसल आज हमारे कैंपस में भी चल रहा है जहाँ बार बार डीन ऑफ स्टूडेंट्स नोटिस इशू करके ये जाहिर करते हैं कि ये जो हमारी यूनियन फॉर्म हुई है जिसको इतने सारे स्टूडेंट्स का जेएनयू के स्टूडेंट्स का मैंडेट मिला है, मोर देन 67% ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम टुगेदर एंड गिवन देयर मैंडेट टू दिस यूनियन. आज वो डीन ऑफ स्टूडेंट्स अपनी एक बात से बस ये कहना चाहते हैं कि हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं, हम इस यूनियन को नहीं मानते हैं. बट आज हमें शायद ये बात एजर्ट करने की ज़रूरत है कि जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, वो हमारे लिए तय नहीं करेंगे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे. हम एज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ऑफ यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, हम तय करेंगे कि हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा. हम उन्हें मैंडेट देंगे और हम जब मैंडेट देंगे तो उस मैंडेट को इस एडमिनिस्ट्रेशन को और इस सरकार को उसे एक्सेप्ट करना होगा, उसे रिस्पेक्ट करना होगा. एंड इट इज थ्रू दीज प्रोटेस्ट that we are able to assert that these spaces of knowledge production, these spaces of learning are still ours. इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी और जादवपुर यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को अपने संगठन की तरफ से और जादवपुर के जितने एलुमनाई हैं यहाँ पे जेएनयू में उनकी तरफ से सॉलिडारिटी एक्सटेंड करना चाहूँगी. शुक्रिया इनकलाब जिंदाबाद. थैंक यू कॉम्रेड अपेक्षा. इसके बाद मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाकी एलुमनाई को इनवाइट करूँगा अपनी बात रखने के लिए. फिर उसके बाद हमारे जे एन यू के ऑफिस बेयरर्स या फिर बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपनी बात करना चाहिए, उसके बाद अपनी बात रख सकते हैं. तो आज हम